बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ M2 पास्ट MCQs कीज। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है कि हाई ग्रेड फीवर है, क्लियर डिफ्यूज मैक्यूलो पैपुलर रैश है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और मायल्जिया है। दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ डेंगी। तो जो डेंगी में जो क्लासिकल डेंगी फीवर होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, डिहाइड्रेशन होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, ब्रेक बोन फीवर है, मायल्जिया है, और डेंगी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो दो होती है, डेंगी हेमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम। अब जो डेंगी हेमरेजिक फीवर होता है उसके 4 ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 में फीवर होगा और साथ में हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन होगी, प्लाज्मा लीकेज हो जाएगा, हेमाटोक्रेट बढ़ जाएगा। ग्रेड 2 के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, ग्रेड 3 के अंदर सर्कुलेटरी फ्लेवर होता है, ग्रेड 4 के अंदर आपको शॉक देखने को मिलता होता है। और जो डेंगी होता है एडीस एजप्टाई और एडीस एल्बोपेक्टा से ट्रांसमिट होता होता है, क्लियर। और ये ऑलमोस्ट डेंगी के बारे में पढ़ लिया। और डेंगी में आप कौन कौन से टेस्ट कराते होते हैं? CBC करा लोगे, ल्यूकोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मिलता है, हेमाटोक्रेट बढ़ जाता होता है। इसके अलावा RT-PCR न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट करा लोगे, अलाइजा करा लोगे टू डिटेक्ट NS1 एंटीजन, और लास्ट में IgM और IgG के टाइटर्स करा लोगे। और मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, अगर ग्रुप ए पेशेंट है लाइक जिनमें कोई वार्निंग साइन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्लियर, तो आप उनको बेड रेस्ट देते हैं, ओरल फ्लूड देते हैं, और फीवर को कंट्रोल करोगे एसिटामिनोफेन से और टैबलेट स्पॉन्जिंग से। ग्रुप बी पेशेंट में आपको वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं लेकिन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं होती, इसमें आप IV फ्लूड दोगे नॉर्मल सलाइन का। तो ग्रुप सी पेशेंट में आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट दोगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होती है। क्या इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दोगे आप? क्लियर, IV फ्लूड्स दोगे आप, वैसोप्रेसर दोगे, आइनोट्रॉपिक एजेंट दोगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड करोगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दोगे अगर प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाती है, प्लाज्मा दोगे अगर कोआगुलोपैथी है, पैक RBC दोगे अगर हीमोग्लोबिन 8 से कम आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। तो डेंगू से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे MCQ पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इन्फेक्शन विद साल्मोनेला। साल्मोनेला को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा फीमेल्स आर मोस्टली कैरियर। जो कैरियर होती है वो मोस्टली फीमेल होती है, जो फीमेल्स कैरियर होती है, मेल्स अफेक्टेड होते हैं। अब टाइफाइड के केस में क्या ट्राइड मिलता है? टाइफाइड में याद रखना कि स्टेप लैडर फीवर होता है, हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, सप्लीनोमिगैली भी होती है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है, रोज स्पॉट्स होते हैं एब्डोमन के ऊपर, क्लियर, ठीक है। और ल्यूकोपीनिया आपको देखने को मिलता है, न्यूट्रोपीनिया आपको CBC में देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया और ल्यूकोपीनिया आप रट्टा मार लेना इसको, सही है, रोज स्पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलती है। ओके, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ब्लड कल्चर, क्लियर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? ब्लड कल्चर होती है। और इसके मैनेजमेंट में क्या होता है? सबसे पहले आप क्लोरामफेनिकोल, अमोक्सिलिन या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सासोल देते हैं। अगर उससे रेजिस्टेंस आ गया तो सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, अगर उससे भी रेजिस्टेंस आ गया तो आपने एज़िथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रैक्सोन इस्तेमाल करना होता है, और अगर उससे भी रेजिस्टेंस आ गया तो मीरोपेनिम इस्तेमाल करना है। अगर कोई कैरियर है तो उसमें सेप्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेसिस्टेक्टमी आपने करनी होती है। और GIT में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन और हैमरेज वगैरह देखने को मिल सकता होता है, क्लियर, सही हो गया। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइनल हैमरेज या परफोरेशन हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा बोन्स और जॉइंट में ऑस्टियोमायलाइटिस वगैरह करा देगा, कार्डाइटिस करा देगा, हेपेटाइटिस या नेफ्राइटिस वगैरह करा सकता होता है। और इसकी जो कोलोनाइजेशन होती है वो गाल ब्लैडर के अंदर होती है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, 32 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद डायरिया। तो जो ट्रैवलर डायरिया होता है तो आपने याद रखना है कि जो ट्रैवलर डायरिया होते हैं उसमें 3 ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं, विब्रियो एंटीरोटॉक्सिजेनिक एकुलाई और GRDSS होता है। GRDSS में रट्टा मारने के ये बच्चों में या टूरिस्ट में देखने को मिलता है, स्टिटोरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें फीवर नहीं होता, कोई ब्लड नहीं होता स्टूल में या कोई म्यूकस वगैरह नहीं होता, ये GRDSS होता है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन फिकल ओरल रूट से होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है? स्टूल कल्चर करा लोगे और स्ट्रिंग टेस्ट कर लोगे। जो स्टूल कल्चर होता है उसमें आप सिस्ट को देखोगे और स्ट्रिंग टेस्ट में ट्रोफोजाइट को देखोगे। ओके, और जो ट्रीटमेंट के अंदर मेट्रोनिडाजोल और टीनाडाजोल इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, रिगार्डिंग द एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन। एपिडेमियोलॉजी तो 4th ईयर में पढ़ते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसके बारे में क्या बात ठीक है? तो ओके, पोलियो हैज़ बिन इरेडिकेटेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, पोलियो इरेडिकेट हो चुका है लेकिन 2 जगह से अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ, एक पाकिस्तान से और दूसरा अफगानिस्तान से, जिनका क्रिकेट में मैच होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते होते हैं। 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, उसको स्पाइकिंग फीवर है और नॉक्टर्नल स्वेट है। ओके, स्पाइकिंग टेम्परेचर, ओके, ये वर्ड्स आपने देखने हैं। स्पाइकिंग मतलब है कि फीवर इंटरमिटेंट होता है। स्पाइकिंग टेम्परेचर रट्टा मार लो ये मलेरिया की निशानी होती है, इंटरमिटेंट फीवर होता है। मतलब पहले जो प्लास्मोडियम, यानी मतलब ना जैसे RBC फटेंगे फीवर स्पाइक पे चला जाएगा, क्लियर। अब जो प्लास्मोडियम मलेरिया ही होता है उसमें क्वार्शन फीवर होता है, मतलब फीवर एवरी 72 आवर्स होता है। प्लास्मोडियम वाइवैक्स और ओवेयर में बिनाइन टर्शियल मलेरिया होता है, फीवर एवरी 48 आवर्स में देखने को मिलता है। प्लास्मोडियम मलेरिया में जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, जबकि प्लास्मोडियम वाइवैक्स और ओवेयर में जो कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके, वो रिलैप्स होता है क्योंकि इनके हिप्नोजाइड वापस आ जाते होते हैं।
क्लियर। तो ये आपको बता दिया मलेरिया से रिलेटेड, यानी जब प्लास्मोडियम मलेरियाई में क्वाशन फीवर होता है, वाइवेक्स ओवेल में टर्शियन फीवर होता है, जो प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम है इसमें फीवर रोजाना देखने को मिलता है। प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम की दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है, सेरेब्रम मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर है। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलता है, DIC, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सप्लीनिक रप्चर वगैरह हो सकता है। एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इज जिम्सा स्टेनिंग है, ओके ठीक है। इसके अलावा ऑप्टीमाल या पैरासाइट टेस्ट भी करा सकते होते हैं। जिम्सा स्टेनिंग मेन होती है, और उसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर वाइवेक्स और ओवेल है तो इनके लिए क्लोरोक्विन देते होते हैं, अगर प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम है अनकॉम्प्लिकेटेड है तो इसके लिए आपने आर्टेमिसिनिन कम्बिनेशन थेरेपी लाइक आर्टेमिथर और लुमिफेंट्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्विनिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम है तो आपने IV आर्टेमिसिनिन देना होता है। और मलेरिया की कीमो प्रोफाइलेक्सिस कैसे करोगे, अगर हाई क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस एरिया तो आपने तीन ड्रग देनी है, निमोनिक है MTM, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन या मेलारोन, इन तीनों में से एक दे सकते हैं। लो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस वाले एरिया में आपने क्लोरोक्विन और प्रोग्वानिल आपने इस्तेमाल करना होता है। मैंने सारे MCQs पॉइंट करवा दिए हैं, ओके मलेरिया से रिलेटेड। तो अब इसके बारे में यहाँ पर एक ड्रग देती है क्विनिन, ठीक हो गया। अब जो क्विनिन के बारे में क्या बात ठीक है, जब भी क्विनिन देनी है ना आपने, तो आपने ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी होती है, LFTs वगैरह देखने होते हैं और ECG देखना होता है, क्योंकि ये लीवर इंपेयरमेंट करा देती होती है। सही है, ऑलमोस्ट ही हमारा पॉइंट कवर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, फीवर पाल्पेबल स्प्लीन है, ओके फीवर है और पाल्पेबल स्प्लीन, यानी फीवर, अनीमिया, स्प्लीनोमिगैली, ये तो ट्राइट होता है मलेरिया का, लेकिन यहाँ पे देखो नॉर्मल WBC काउंट है, ओके ठीक है, WBC काउंट नॉर्मल है लेकिन हाई ESR है, ठीक है। तो अब ये किस कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, ओके पहला है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर में आपको लिम्फोपिनिया देखने को मिलता होता है, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, अमीबिक लिवर एब्सेस है, ठीक है। बाकी में एंटेरिक फीवर, मलेरिया, ब्रुसिलोसिस और कालाजार, इनमें आपको कहने का मतलब है कि WBC नॉर्मल हो सकते होते हैं, ओके लेकिन अमीबिक लिवर एब्सेस में WBC नॉर्मल नहीं होते, बल्कि ज़्यादा आपको देखने को मिलते होते हैं। अब अमीबिक लिवर एब्सेस का कैसे पता लगेगा, स्विंगिंग फीवर होता है, डल पर्कशन नॉट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन और टेंडरनेस होती है, जॉन्डस यूजुअली इसमें नहीं देखने को मिलता होता, क्लियर। और इसकी जो डायग्नोसिस के लिए आप क्या करते हो, सीरोलॉजी वगैरह करा देते हो, और अगर आप इसकी पस पस को एस्पायर करोगे ना तो एनकोवी सॉस या चॉकलेट ब्राउन पस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल और क्लोरोक्विन है, क्लियर सही हो गया। मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन और डिलोक्सानेट फ्यूरेट होती है, ये आप देते होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओके क्वेश्चन नंबर 7 है कश्मीर और बलोचिस्तान। थोड़ा सा आपने एपिडेमियोलॉजी को भी देखना है, कश्मीर और बलोचिस्तान इसमें लिशमिनियासिस के केस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आंसर देख लिया है, या आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, कश्मीर और बलोचिस्तान वाले एरिया की अगर हिस्ट्री हो, ओके और क्या पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। वेट लॉस एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, ठीक है, इससे तो आपको पता नहीं लगेगा कि लिशमिनियासिस में जाना होता है, ओके। अच्छा, जो लिशमिनियासिस है ना, विसरा लिशमिनियासिस को कालाजार भी कहते होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इंटरमिटेंट फीवर होगा। इंटरमिटेंट फीवर आपने दो जगह पर याद रख लेना, एक तो मलेरिया के अंदर और दूसरा लेशमेनियासिस के अंदर रट्टा मार लेना है। दूसरा हाई ग्रेड फीवर है, पेल है, इन लार्ज लीवर है, और इसमें स्प्लीनोमेगैली भी देखने को मिलती होती है, क्लियर सही है। लेकिन जब आपने जिम्सा स्टेनिंग किया, जिम्सा स्टेनिंग में आपको यानी सेम मलेरिया वाली इन्वेस्टिगेशन, मलेरिया वाली फाइंडिंग है, लेकिन आपने जिम्सा स्टेनिंग किया आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आप CBC करा लोगे, CBC में पैन साइटोपिनिया होगा, ओके पैन साइटोपिनिया होगा, और LFT करा लोगे, एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, और अब बोन मैरो या लिम्फ नोड या लिवर बायोप्सी करा लोगे उसमें आपको लिशमैन डोनोवन बॉडी देखने को मिलती है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे लिशमिनियासिस के लिए, क्लियर। तो विसरल लिशमिनियासिस में क्या होता है, इंटरमीटेंट फीवर देखने को मिलता है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है, हिपैटोमेगैली होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, स्किन के ब्लैकिश डिस्कलरेशन होती है, डेट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड कालाजार। एडिमा और साइटिस होगा ड्यू टू हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, मेनली तीन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ओके लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और लिव, ठीक है ओके मैंने वैसे चार रट्टा मार लो, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड और लीवर बायोप्सी। बोन मैरो पे पैनसाइटोपिनिया करा देगा, स्प्लीन की इलाजमेंट करवा देगा, लिम्फ नोड की इलाजमेंट करा देगा, लीवर की भी इलाजमेंट करा देगा और एल्ब्यूमिन का लेवल कम कर देगा। और इसमें आप बायोप्सी कराओगे ना तो लिशमैन डोनोवन बॉडी देखने को मिलती है। अब इसमें जो ड्रग और चॉइस होती है, दिस इज पेंटावेलेंट एंटीमनी साल्ट, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टिपोग्लुकोनेट। अगर रेजिस्टेंस आ गई है तो आपने एम्फोटेरिसिन भी इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा मल्टीफोसिन, पैरामोमाइसिन या पेंटामिडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। योर डायग्नोसिस इन अ 30-year-old प्रोमिस्कुअस मेल, ओके प्रोमिस्कुअस। अब प्रोमिस्कुअस का आई थिंक दिस इज सम वट रिलेटेड टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, अगर किसी को बताओ तो मुझे ना बताना। उसको रिकरेंट ग्रुप्ड वेजिकल्स हैं ऑन द शाफ्ट ऑफ पीनस, ओके रिकरेंट ग्रुप्ड वेजिकल्स, ग्रुप्ड वेजिकल ये की वर्ड होता है ओरल या जेनिटल एरिया पर, ओके बर्निंग भी है, डिस्कम्फर्ट भी है, दिस इज सीन इन इन केस ऑफ हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक हो गया। हर्पीस सिंप्लेक्स के इन्फेक्शन में आपको ग्रुप्ड वेजिकल देखने को मिलती होती है, क्लियर।
तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है चिकन पॉक्स वाले से या वेरिसिला वाले से। अच्छा, हर्पीस सिंप्लेक्स में ना दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, प्राइमरी और रिकरेंट। प्राइमरी में जिंजिवो स्टोमेटाइटिस होता है, ठीक है। और इसमें ना मेन जो की वर्ड है ग्रुप्ड वेसिकल्स है, या तो एंगल ऑफ माउथ भी हो सकती है या फिर पीनस वगैरह भी हो सकती होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोल्ड सोर्स होते हैं, हाइपर एस्थीजिया आपको देखने को मिलता है। हाइपर एस्थीजिया मतलब ज़्यादा बर्निंग डिस्कम्फर्ट वगैरह देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बता दिए हर्पीस सिंप्लेक्स से रिलेटेड। क्लियर। और इसके जो ट्रीटमेंट होता है, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो आपने एसाइक्लोविर देनी है, फेमसिक्लोविर और वेलासाइक्लोविर है। और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज फॉस्कार्नेट। ड्रग ऑफ चॉइस इज फॉस्कार्नेट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर, ऑल इंक्लूड वायरल हेमरेजिक फीवर। वायरल हेमरेजिक फीवर सारे के सारे हैं, कौन सा नहीं होता? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर नहीं होता, लासा फीवर, येलो फीवर, सिनेमियन कॉन्गो और डेंगी। हमने सिर्फ डेंगी रट्टा मारना है, ये सारे वायरल हेमरेजिक फीवर होते हैं। लेकिन रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ये तो रिकेट्सी रिकेट्सी की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसमें आपको वायरल हेमरेजिक फीवर नहीं देखने को मिलता होता। आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक बंदा जिसने मैरिज सेरेमनी अटेंड किया। हम लोग क्यों मैरिज सेरेमनी अटेंड करते हैं? रोटी खाने के लिए। अच्छा, अब उसने भी इसी के लिए की थी, लेकिन 3 घंटों के बाद उसको प्रोफ्यूस वॉमिटिंग और डायरिया आ गया। वॉमिटिंग और डायरिया, डैट मीन्स फूड पॉइजनिंग है, और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस से एसोसिएटेड होता है। और ये चूंकि काफ़ी ज़्यादा एक्यूट ऑनसेट है, लाइक 6 घंटों के अंदर हो गया, विद इन द आवर्स है, तो ये स्टैफलोकोकस ओरियस की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? स्टैफलोकोकस ओरियस, ठीक हो गया। तो ये फूड पॉइजनिंग आ गया। स्टैफलोकोकस ओरियस से रिलेटेड आपने दो सिंड्रोम भी पढ़ने हैं, एक स्टैफलोकोकल स्काल्ड स्किन सिंड्रोम है, दूसरा होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। अब जो स्टैफलोकोकल स्काल्ड स्किन सिंड्रोम है उसको बोलते हैं रिटर सिंड्रोम, रिटर। क्या बोलते हैं? रिटर सिंड्रोम, जिसमें थिन वाल्ड फ्लूड फिल्ड ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे देखने को नहीं मिलते होते। दूसरी तरफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हाई ग्रेड फीवर होता है, सेप्टिक शॉक होता है, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन देखने को मिलती है, रिथीमाटस रैश होता है, मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन फेलियर हो जाएगा। ये टैम्पून यूजिंग फीमेल्स में देखने को मिलता होता है। और ट्रीटमेंट में क्या होता है? फ्लू क्लोक्सासिलिन, वेंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन देते होते हैं, IVIG भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आ जाते हैं, 30-year-old फार्मर जिसको जिसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन है हाई ग्रेड स्विंकिंग टेम्परेचर। फार्मर है, किसान है और हाई ग्रेड स्विंकिंग टेम्परेचर है, ये वन लाइनर्स होते हैं, इनको अपने अच्छे से रट्टा मार लेना है। ये कीवर्ड होते हैं ब्रुसिलोसिस के। क्लियर, ब्रुसिलोसिस में हाई ग्रेड फीवर होता है, फार्मर में होता है, स्विंगिंग टेम्परेचर होता है। स्विंगिंग टेम्परेचर एक और जगह पर भी पढ़ना है, अमीबियासिस का केस में। इसके अलावा राइगर्स है, स्वेटिंग है, लिथार्जी, ये तो नॉन स्पेसिफिक है, यानी हेडेक है और बैक एक है, हेडेक और बैक एक, ये आपको डेंगू में भी देखने को मिलता होता है। और आपको हेपेटोसप्लीनोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिलती है। और फाइनली हेपेटोसप्लीनोमेगाली की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें रट्टा मारनी है? फार्मर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, स्विंकिंग टेम्परेचर होगा, लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोसप्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। दिस इज अ क्लासिकल सिनेरियो ऑफ ब्रुसिलोसिस। और इसमें जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम थे इनिशियली, हेडेक, बैक एक, जॉइंट में पेन आपको देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर लोबार नमोनिया। अभी लंग्स की तरफ आना शुरू हो गया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोबार नमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई की वजह से होता है। अब ये चूंकि M1 में कवर हो चुका है तो अब इसको यहाँ दोबारा नहीं पड़ेगा। सुडो मेब्रेनस कोलाइटिस इज ड्यू टू। तो जो सुडो मेब्रेनस कोलाइटिस होता है ये कोलेस्टेडियम डेफिसिल के इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता होता है। अब इसमें क्या हिस्ट्री मिलती है? इसमें हिस्ट्री ये होती है कि पेशेंट को कोई नमोनिया या कोई सेप्सिस या UTI होगा, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करा होगा। ऑलमोस्ट हर तरह की एंटीबायोटिक करा सकती होती है कोलेस्टेडियम डेफिसिल का इन्फेक्शन। और ट्रीटमेंट में क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल और वेंकोमाइसिन है। और ये भी ऑलमोस्ट GIT में कवर हो चुका होता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस को ग्लैंडुलर फीवर या किसिंग डिजीज भी कहते होते हैं, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो इसके में जो ट्राइड होता है फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। और अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे एम्पीसिलिन या अमोक्सिलिन तो उसकी वजह से रैश हो जाएगा। इसको हम कुछ बुक्स आती है इसको जैरिश हैग्जीमा रिएक्शन वगैरह भी कहते हैं। अब इसके जो एटियोलॉजिकल एजेंट है, मोस्ट कॉमन एप्स्टीन बार वायरस होता है, इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस भी होता है। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? अब एप्स्टीन बार वायरस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब उसकी वजह से कैंसर होते हैं, नेसोफेरिंजियल कैंसर, बर्किड लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, प्राइमरी CNS लिम्फोमा। इसके अलावा सोर थ्रोट की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, ये हमने उसके अंदर पढ़ना है साइकियाट्री के अंदर। साइकियाट्री में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का मतलब है कि जरा सा काम किया लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। सोमेटोफॉर्म के अंदर आता होता है। एमोक्सिलिन या एम्पीसिलिन इस्तेमाल कर लोगे उसकी वजह से रैश हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड जैरिक हैल्जीमा रिएक्शन है। मेनिनजाइटिस भी इसकी वजह से डेवलप हो सकता है। हिमोलिटिक एनीमिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो सकता है, या स्प्लीनिक रप्चर भी हो सकती होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। और इसके ट्रीटमेंट कैसे करोगे? अच्छा, इसकी
पर्पिफिकेशन क्या कराओगे? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आपको ए टिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं, सी डी ए टी लिम्फोसाइट होते हैं, इनको ग्लैंडुलर फीवर सेल भी कहते हैं, और इसमें हीट्रोफिल एंटीबॉडीज देखते हैं। अब हीट्रोफिल एंटीबॉडी दो तरह की होती है, पोल बर्नल टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट। पोल बर्नल टेस्ट में शेप के आरबीसी एग्लूटिनेट होते हैं, और मोनोस्पॉट टेस्ट में हॉर्स के आरबीसी एग्लूटिनेट होते हैं। और इसके अलावा आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देख लोगे अगेंस्ट एप्सटीन बार वायरस एंटीजन। ओके, वो कौन कौन सी होती है? वायरल कैप्सिड एंटीजन के खिलाफ या एप्सटीन बार वायरस एंटीजन के खिलाफ। सही है, ऑलमोस्ट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ क्या डिस्कस हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या होता है? सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, बेड रेस्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को आपने अवॉइड करना होता है, एस्टामिनोफेन या टैबलेट स्पॉन्जिंग करोगे फीवर के लिए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है लाइक फेरेंजियल एडिमा है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हिमोलिसिस है तो इस केस में स्टेरॉइड दे दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पेप्टिक अल्सर लाइक डिजीज एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, पेप्टिक अल्सर लाइक डिजीज डैट मीन्स के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पेप्टिक यानी कोई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, लोअर जीआई ब्लीड होना शुरू हो जाएगा या अपर जीआई ब्लीड आपको देखने को मिलता है। बस जीआई ब्लीडिंग होती है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये हुक वार्म की वजह से होता है, एंड सेलास्टोमा ड्यूडेनली की वजह से देखने को मिलता है। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा बात और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सिफिलिस। ओके, सेकेंडरी सिफिलिस इज करेक्टराइज बाय, ओके, जो सिफिलिस होता है सिफिलिस वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ओके, सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से होता है, स्पायरोकिट्स की वजह से देखने को मिलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। अब जो सिफिलिस होता है ये प्राइमरी सिफिलिस होता है, सेकेंडरी होता है, लेटेंट सिफिलिस होता है, टर्शियरी सिफिलिस होता है, ओके, और न्यूरोसिफिलिस होता है। जो प्राइमरी सिफिलिस होता है ये तकरीबन 3 महीनों के बाद देखने को मिलता है आफ्टर द इन्फेक्शन। ओके, इसमें आपको पेनलेस अल्सर होगा और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर जो कि 2 महीनों के बाद होता है, इसमें स्नेल ट्रैक अल्सर देखने को मिलता है, नॉन टेंडर लिम्फेडिनोपैथी होती है, क्लियर मैक्यूलोपैपिलर रैश होते हैं। यानी सेकेंडरी सिफिलिस में आपको स्नेल ट्रैक अल्सर मिलेंगे, मैक्यूलोपैपिलर रैश देखने को मिलेगा, और कुंडाइलोमाटा लाटा भी देखने को मिलता होता है। लेटेंट सिफिलिस में क्या होता है कि पॉजिटिव सिफिलिस की सीरोलॉजी होती है लेकिन कोई क्लिनिकल डिजीज़ नहीं होता। सही हो गया। ओके, अब ये दो तरह का होता है, अर्ली लेटेंट और लेट लेटेंट। अर्ली लेटेंट कब कहते होते हैं? विद इन 2 ईयर्स, और जो लेट लेटेंट होता है आफ्टर 2 ईयर्स, और इसमें पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता। टर्शियरी सिफिलिस के अंदर आपको गुमास मिलते हैं, डिमेंशिया देखने को मिलता है, सीवीएस की फाइंडिंग देखने को मिलती है, ओके, लाइक एओर्टिक रूट एनरिज्म, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, और आपको सीएनएस में न्यूरोसिफिलिस देखने को मिलता है। ओके, अब न्यूरोसिफिलिस में टेबिस्ट और सालिस होता है, आर्गन रॉबर्टसन पीपल होता है, मेनिंजो वास्कुलर स्ट्रोक देखने को मिलता होता है। और सिफिलिस में जो नॉन आप जो करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं जिसमें स्पायरोकिट्स को देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में वीडीआरएल और आरपीआर है, स्पेसिफिक टेस्ट में एफटीए एबीएस, और आप करा लोगे एंजाइम इम्यूनो ऐसे करा लोगे। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, तो जो ट्रीटमेंट है आपने बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी होती है, और अगर एलर्जी है तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन नाम इस्तेमाल करनी होती है, अगर न्यूरोसिफिलिस है तो आपने प्रोकेन पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी होती है। तो इससे रिलेटेड मैंने सारे एमसीक्यूज पॉइंट आपको बता दिए सिफिलिस से रिलेटेड। ओके, तो उम्मीद है कि आपका यूक्यू भी कवर हो जाएगा इससे, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अच्छा, इसमें ना अगर पेनिसिलिन इस्तेमाल करोगे ना तो आपको जैरिक हग्जीमा रिएक्शन देखने को मिलता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेडनी सलोन ऐड कर देते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सिफिलिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन लैक्टोस्पायरोसिस आर ऑल इंक्लूड एक्सेप्ट। ओके, अब लैक्टोस्पायरोसिस में कौन सा नहीं होगा? ओके, जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जीआई मैनिफेस्टेशन। ओके, जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में एआरडीएस, ओके, मतलब ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, लीवर को इन्वॉल्व करता है, या मल्टी ऑर्गन फेलियर वगैरह करा देता होता है, लेकिन जीआईटी के सिम्टम पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। ओके, अब लैक्टोस्पायरोसिस दिस इज इंपॉर्टेंट डिजीज, लैक्टोस्पायरा एंटीरोगेंस की वजह से देखने को मिलता होता है। अब ये किन किन इंडिविजुअल में देखने को मिलता है? जो ओके सैवरेज वर्कर में, ओके, या वेटरनरी डॉक्टर्स के अंदर देखने को मिलता होता है, डीवीएम के डॉक्टर्स वालों में, या जो रैट इन्फेक्टेड रैट यूरिन है उसकी वजह से देखने को मिलता होता है। अब इसका जो क्लासिकल ट्रायड होता है, ओके, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सब कंजक्टिवल हैमरेज होता है, ओके, लीवर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जॉन्डस हो जाएगा, क्लियर, और किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ए की आई देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो इसमें आपको सैवरेज वाटर की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, सही हो गया, या और किडनी की, लंग्स की, सीवीएस की, ओके, और किडनी की, लंग्स की, लीवर की, इनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, क्लियर, सही हो गया। और सब कंजक्टिवल हैमरेज भी आपको देखने को मिलता होता है, ओके, और ओलिगोयूरिया आ जाएगा रीनल के अंदर। अब इसका जो मेन इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होती है, माइक्रोस्कोपिक हैमी एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, क्लियर। इसके अलावा आप एंटीजन की डिटेक्शन कर सकते हैं एलाइजर से, पीसीआर कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डीएनए, या वायरल कल्चर कर सकते होते हैं, हालांकि वायरस तो होता नहीं है। ओके, और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? अगर किसी को माइल्ड लैक्टोस्पायरोसिस है तो अपने डॉक्सीसाइक्लिन आपने देनी होती है, अगर सीवियर लैक्टोस्पायरोसिस है तो आईवी रूट से पेनिसिलिन देनी होती है, प्लाज्मा फेरेसिस करना होता है, और अपने कॉम्प्लिकेशन को ठीक करना होता है। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? लीवर के अंदर बताया था हेपेटाइटिस होगा, किडनी के अंदर एकीआई हो जाएगा,
हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, सब कंजेक्टिवल हेमरेज हो जाएगा, लंग्स में ERDS और पल्मोनरी निमोनिया, शमोनिया, इफ्यूजन वगैरह हो जाएगा। ओके इसके बाद है विच इज़ अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके जो मेन इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक हेमीग्लूटिनेशन टेस्ट होती है, लेकिन वो अर्ली नहीं होती। अर्ली के लिए आपने क्या करानी है, एंजाइम इम्यूनो ऐसे कराना है। मेन इन्वेस्टिगेशन क्या है, माइक्रोस्कोपिक हेमीग्लूटिनेशन टेस्ट है, लेकिन अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका ब्लड ग्रुप होता है, एंजाइम इम्यूनो ऐसे करा लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर है, 22-year-old लेडी हैज़ बिन डायग्नोज एज अ केस ऑफ प्राइमरी सिफिलिस। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रियट एंटीबायोटिक्स, सिफिलिस की ऑलरेडी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर। और आप क्या देते हो, प्रोकेन सॉरी बेंजाथिन पेनिसिलिन देते हैं। जो प्रोकेन पेनिसिलिन होती है ये हम किस में देते होते हैं, ये हम देते होते हैं न्यूरोसिफिलिस के केस में। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, 26-year-old मेल प्रेजेंट एट ओपीडी विथ फीवर एंड नाइट स्वेट फॉर 10 डेज। ओके फीवर है और नाइट स्वेट है 10 डेज से। ओके और इसका 3 फीमेल सेक्सुअल पार्टनर से कोई हिस्ट्री भी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल नॉन मोबाइल लिम्फ नोड्स आपको सर्वाइकल या इंग्वाइलर रीजन में आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके सही है, अब लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट वगैरह देखने को मिल रही है, स्प्लेन के लार्जमेंट वगैरह नहीं है। ओके तो कौन सा टेस्ट नहीं करवाओगे, तो इसमें बेस्ट टेस्ट कौन सा नहीं कराओगे, FNAC वगैरह नहीं करवा लोगे इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर। बाकी इनिशियल मैनेजमेंट में आप मोनोस्पॉट, HIV, RNA PCR, क्योंकि सारे इससे ना सेक्शुअल रूट से या इनसे फैल सकते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आ जाते हैं, 26-year-old IV ड्रग यूज़र है विथ फीवर है, ब्लड कल्चर ऑब्टेन 24 आवर्स लेटर है, जिसके अंदर आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिल रही है क्लस्टर्स के अंदर। ठीक है अब IV ड्रग यूज़र है, फीवर है, ओके और ग्राम पॉजिटिव कोकाई है इन क्लस्टर्स, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस को इंडिकेट कर रहा होता है, क्लियर। तो इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक हम देते होते हैं, एंटीबायोटिक कौन सी देते होते हैं, या तो फ्लोक्लोक्सासिन ही दे देंगे अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप वैनकोबाइसिन प्रेफर कर देते होते हैं, क्लियर सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क है ना इंट्रावीनस ड्रग यूज़र, डेट इज़ वाई मरसा को कवर करने के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, 20-year-old फीमेल अटेंड्स एमरजेंसी रूम विद स्वेलन राइट नी जॉइंट है। ओके नी जॉइंट की स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है और उसको फीवर भी है, मसल और जॉइंट में पेन भी है, और वेजिकुलो पोस्टुलर स्किन की लीजन है और क्लियर और नी जॉइंट की आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, सही है। ओके तो व्हाट द प्रोसीजर मोस्ट लाइकली टू यील्ड अ डायग्नोसिस एट दिस पॉइंट इज़,